हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ईटीएफ से आप वीकली और मंथली अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यानी हर हफ्ते ईटीएफ से कमाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे कि सर इस तरह का कुछ वीडियो लेकर आइए, तो हम वीडियो लेकर भी आ चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ईटीएफ एक कमाई का जरिया भी है, क्योंकि वो लोग इससे कमाई करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ETF 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए तो ETF लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो करते हैं, ताकि उनके बच्चे जब बड़े हो तो उनके लिए वो उसको पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो उस पर्पस से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपका भैया पर्पस ETF से कमाई का है, कि आप ETF से मंथली कमाई करना चाहते हैं या फिर वीकली कमाई करना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर हम केवल थ्योरिकल बात नहीं करने वाले, प्रैक्टिकल भी बात करेंगे, लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट, क्योंकि जो ETF की ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसके अंदर हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। 5 से 7% का हमारा रिटर्न का टारगेट रहने वाला है, ये हमारा वीकली भी अचीव हो सकता है, और थोड़ा सा टाइम भी लगे तो 2 वीक या महीने के अंदर अंदर हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और हाँ, पहले बता दूं, वीकली टारगेट मतलब आज मैं बता रहा हूं तो भैया अगले वीक आपकी कमाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है, 1-2 वीक का आपको टाइम लग सकता है। नो लॉस मैंने लिख दिया है, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस भी सर लिखा है कि यहां पर आपका लॉस नहीं होता है। और जो लोग ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो पता ही है कि ETF के अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, हो कुछ भी सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है लॉस होने की। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम लाइव प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि कैसे हम हर हफ्ते हम यहां से रिटर्न निकाल रहे हैं 5 से 6% का ETF के जरिए। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन है, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन लोगों का तो भैया बहुत इजीली बन रहा है, उसके अंदर मैं डेली अपडेट्स भी डालता रहता हूं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भैया ये आपकी गलती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी पैसा हम उसका नहीं लेते हैं। चलिए वीडियो के अंदर अब हम वीकली और मंथली स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। मैं पहले ही बता दूं आपको, ये वाला वीडियो थोड़ा सा अलग है उन वीडियोस से जो कि आपने ETF की दुकान वाली वीडियोस देखे होंगे, बेस्ट ETF वाले वीडियो देखे होंगे, या हाउ टू बाय ETFs कैसे बाय करते हैं वो वाले वीडियोस देखे होंगे, तो ये वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं काम करता हूं, और शायद यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिलने वाली है ये वाली स्ट्रेटेजी। इसके अंदर सबसे पहले करना क्या है, आपको बाय 1 से 2 यानी 1 और 2 ETF बाय करने हैं वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर, यानी 1 वीक के अंदर 5 ट्रेडिंग सेशंस आपको मिलते हैं, तो उन 5 दिनों के अंदर आप केवल और केवल 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 ETF ही बाय करने वाले हैं। सर इससे ज्यादा आपको ETF बाय नहीं करने हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन है तो ये चीज नोटिस करते होंगे कि मैं हर रोज ETF नहीं बताता हूं, नहीं डालता हूं ETF के ऊपर, हम हर रोज स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि 1 से 2 ETF करने है, उसका रीजन क्या है बताता हूं। मोर देन डाउन 5% इन वीक, मैंने लिखा है वीक, डे का नहीं लिखा है कि जिस दिन जो ETF डाउन है उस दिन हमने वो बाय कर लिया है, भैया ऐसा नहीं है, उसका पिछले 3-4 दिन हमको देखने होंगे। अगर वो लगातार 3-4 दिन से गिरता हुआ आ रहा है, लगातार 3-4 दिन 5 दिन से या वो गिरता हुआ आ रहा है, तब हम यहां पर सर उसको बाय करेंगे। 5 दिन से या वो गिर रहा है या 4-5 दिन से उसका गिरावट देखने को मिल रही है, वो ऐसे ऐसे भी गिर सकता है, गिर रहा है यानी रेड ही है, तो हम यहां से बाइंग स्ट्रेटेजी हमारी लागू करने वाले हैं 5% से ज्यादा का, कभी कभी ये 4% भी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बाय आफ्टर 2:30 PM यानी 2:30 PM यानी 2:30 बजे बाद ही आपको बाय करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए मार्केट यहां से ओपन होता है 9 बजे, मार्केट 9:15 बजे ओपन हो चुका है, और यहां से आपका ETF सर गिर रहा है, डाउन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डाउन जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लास्ट में होते होते, दिन एंड होते होते 2:30 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के आसपास वो जितना गिरना होगा उसको वो गिर चुका होगा, जितना गिरना होगा गिर चुका होगा। अगर इसके बाद भी गिरता है तो कोई मामूली सी गिरावट देखने को मिलेगी, वरना आप, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है
ढाई बजे से तीन बजे के आसपास आप बाय कर सकते हैं, यही सबसे बेस्ट टाइम होता है। और ये वाला फॉर्मूला आप हर ETF के अंदर लागू कर दीजिए सर, हर ETF के अंदर लागू कर दीजिए। जब मार्केट ओपन होता है तब गिर गया, तब ही आपने बाय कर लिया, यहां पर बाय कर लेते हैं सर 10 बजे ही, 11 बजे ही आपने बाय कर लिया, तो आप ये वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे, ये वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। और क्या पता वो यहां से ऊपर भी जा सकता है, यहां से ऊपर भी जा सकता है। तो हमको ये वाला यहां पर बॉटम, यहां पर हमको पकड़ना है। अब देखिए बाय आफ्टर 2:30 PM आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ज्वाइन योर फ्री टेलीग्राम, ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यहां पर सर मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, ये तीन चीजें आप भूल जाइए बिल्कुल, ये मेहनत आपको नहीं करनी है। ETF वीक में 5% डाउन आपको देखना है, ढाई बज रहे हैं देखना है, और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम तो डेली देख नहीं पाते हैं ये सब कुछ, तो उसका सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन है फ्री टेलीग्राम, हमारा चैनल है, उसके ऊपर जाकर आप देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, टेलीग्राम ओपन किया जाकर देखिए, और वो वाला ETF अगर आपको अच्छा लगता है तो एनालिसिस करके आपके सोच विचार राय से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई फोर्स आपको नहीं किया जाता है। और टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर अब हम बात करते हैं कि जो ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई है क्या वाकई में ये काम करती है, क्या इससे वीकली प्रॉफिट बनाया जा सकता है भी या नहीं, या सर यू ही हवा हवाई बातें कर रहे हो, या ऐसे ही ये, क्योंकि थ्योरिकल बहुत इजी लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल होता है। तो सर आइए ना लाइव प्रूफ के ऊपर हम बात करते हैं, लाइव प्रूफ अब हम देखते हैं। अब देखिए साइड में मैंने मेरी मोबाइल स्क्रीन को ऑन कर दिया है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल कुमावत, आप ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। यहां पर आज की डेट में ही 21 अक्टूबर को आपको दिखाई दे रहा है 85 to 94, जो कि है गोल्ड, ये सॉरी सिल्वर पीस 85 to 94 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर 85 to 94 है। मान लीजिए ये 85 हमने कब बताया था, आज से 10 दिन पहले की डेट होगी, यहां से 10 अक्टूबर की है और आज की तारीख है। अब देख लीजिए वीकली स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, 85 यानी मैं मैक्सिमम क्वांटिटी बाय करता हूं वो 1000 करता हूं या 500 लेता हूं भी क्वांटिटी। अगर मान लो मैंने 1000 क्वांटिटी ली है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 85,000 चला गया, इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा 1000 क्वांटिटी मैंने यहां पर सिल्वर 20 की उठाई हुई थी, बाय की थी। अब जब ये 94 हो चुका है तो मैंने यहां पर लिखा है कि आप हाफ सेल कर सकते हो, हाफ रख सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर उसको बढ़ना है, इन फ्यूचर उसको जाना ही है, उसका टारगेट मैंने 105 का ले रखा है। तो मेरे को यहां पर अगर प्रॉफिट बुक करना है एक हफ्ते के अंदर बुक करना है तो 94 का हो चुका है, तो 1000 क्वांटिटी की प्राइस क्या हुई सर, 94,000, यानी 85,000 की आपकी खरीद थी, 94,000 रुपए आप यहां पर सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट सर कितना हुआ, आप यहां से सर 9,000 रुपए एक हफ्ते के अंदर कमा चुके हैं, ये आपकी अर्निंग हो चुकी है सर, ये अर्निंग हो चुकी है। अब बोलोगे कि सर ये तो एक है, बहुत से हैं, थोड़ा ऊपर चलिए दिखाता हूं और भी है जो हम बताते हैं वो सर प्रूफ के साथ में बताते हैं, थोड़ा सा आ जाइए, ये देखिए यहां से ये देखिए HDFC स्मॉल 250 आपको नजर आ रहा होगा, HDFC स्मॉल 250 नजर आ रहा होगा, 176 की डाल रखी है हमने, 176 की प्राइस पर है और सर ये 185 गया है, चार्ट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं 176 से 185 ये गया है, तब भी मैंने बताया था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, प्रॉफिट शुरू हो चुका है यहां पर हम बता रहे हैं। ये देखो नीचे, ये थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहां से देखिए 2 दिन के अंदर करीब 3% रिटर्न, ये सब कुछ मतलब एवरी वीक आप यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल है काम है नहीं, बस इसमें शर्त क्या है वो शर्त के ऊपर बात कर लेते हैं। आपके पास में कैपिटल, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, क्लीन ऑल कर देते हैं। चलो सबसे पहले आपके पास में क्या है कि कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए अप्रोक्स 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का इसके अंदर कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो सर वो प्रॉफिट कम होगा, 500 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, उसमें मजा नहीं आने वाला है। जब तक कि आपका प्रॉफिट यहां से 3K to 5K नहीं हो जाता तब तक मजा नहीं आता है अकाउंट के अंदर। तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए होगा, उससे आप ये प्रॉफिट का टारगेट एवरी वीक लेकर चल सकते हैं। सर हम एवरी वीक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर वीक का प्रॉफिट होगा, हो सकता है
किसी किसी वीक आपको प्रॉफिट नहीं हो, आपको होल्ड रखना पड़ जाए, वो वाला प्रॉफिट आपको नेक्स्ट वीक हो जाए। तो वीक में यानी एक महीने के अंदर चार आते हैं, चार वीक आप लेकर चल रहे हैं, तो चार वीक में से मान लीजिए आपके पास में दो वीक में प्रॉफिट हो रहा है, दो में नहीं हो रहा है, तो उनको आप होल्ड करके नेक्स्ट टू वीक्स में आने वाले टू वीक्स के अंदर कवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको वीकली और मंथली इनाम दे रहा हूं। तो यहां पर शर्त यह है कि आपके पास में कैपिटल होना चाहिए 3-5 के होना चाहिए, और सर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन होना चाहिए, वो आप जब कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेटेजी तो बता दी है कि यहां पर आपको 1-2 ETF बाय करने, लेकिन करने कौन से है, 5% से ज्यादा डाउन वीक के अंदर होने चाहिए, उसके अंदर आप यहां से खेला कर पाएंगे, खेल पाएंगे। लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ी सी हमारी टीम एनालिसिस करती है कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावनाएं चल रही, जिन जिन कंपनीज के अंदर इसकी होल्डिंग्स है वो कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो सब कुछ बैकएंड टीम करती है। ये मैं भी इतना नहीं कर पाऊंगा कि हर ETF को खोल खोल के सब चेक कर रहा हूं, पता चल रहा है 3-25 तो चेक करने में बच गए हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है, वो सब कुछ काम आपके लिए लेकर आती है। तो इसलिए आप यहाँ पर ज्वाइन एंट्री मार लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर आपके सामने मैंने समझा दी है, लाइव प्रूफ भी आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो सर लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर हाँ, इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं, अगर 300 लाइक्स का टारगेट पूरा हो गया तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो लेकर आऊंगा अंडर 50 रुपीज, यानी 50 रुपए वाले ETFs, 50 रुपए के अंदर अंदर जो ETF जो कि बड़ा धमाका कर सकते हैं इन फ्यूचर, वो 150-200 तक जा सकते हैं, 250 तक भी जा सकते हैं, ऐसे ETFs के ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो ये बड़ा धमाका आपके लिए बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कुछ पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर, जय हिंद जय भारत।